जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में किस कार का प्रयोग किया है। लेकिन विभिन्न प्रधानमंत्रियों की कारों के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी दे देती हूँ। बस मैं थोड़ा सा पहले प्रधानमंत्री के बारे में बता दूँ, फिर हम उनकी कारों को डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो अंत तक बने रहना, आपको इसमें प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का पता चलेगा। तो आइए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री देश को चलाने वाली कैबिनेट का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री को बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें गाड़ी, बंगला, नौकर, ऑफिसर इत्यादि शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के काफिले से एम्बेसडर कार सेडान को हटाकर आलीशान BMW 7 सीरीज की बुलेट प्रूफ लग्जरी सैलून को शामिल किया था। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वो हर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। अर्थात प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि और भारत सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वह देश के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होने के साथ ही मंत्रिपरिषद का मुखिया भी होता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के सभी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा निर्मित एम्बेसडर कार सेडान से भ्रमण करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के सभी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा निर्मित एम्बेसडर कार सेडान से भ्रमण करते थे और इसे रैलीज ऑफ गणराज भी कहा जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के काफिले से एम्बेसडर कार सेडान को हटाकर आलीशान BMW 7 सीरीज की बुलेट प्रूफ लग्जरी सैलून को शामिल किया। तब से भारत के सभी प्रधानमंत्री BMW सीरीज के वाहन से ही यात्रा करते हैं। आइए अब प्रधानमंत्रियों की कारों के बारे में देखते हैं। आइए पहले इंदिरा गांधी की कार के बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर रायबरेली की सांसद के रूप में चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक राष्ट्र को अपनी सेवाएं दी थी। वह अपने सफेद रंग की एम्बेसडर कार से ही जाया करती थी, पर कभी कभी घोड़े की बग्घी से भी दिल्ली में भ्रमण करना पसंद करती थी। चलिए आप दूसरे प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के बारे में देखते हैं। पीवी नरसिंह राव 1991 और 1996 के बीच भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके समय में ही आर्थिक उदारीकरण हुआ था, लेकिन इस आर्थिक उदारीकरण का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, खासकर उस कार के संदर्भ में जिससे वे यात्रा करते थे। उस दौर में भारत समाजवाद से सामाजिक पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिंह राव अपनी यात्राओं के लिए हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा निर्मित एम्बेसडर कार का ही प्रयोग करते रहे। आइए अगले प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की कार को देखते हैं। HD देवगौड़ा June 1996 से April 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनको प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का बहुत ही कम समय मिला था। उन्होंने अपनी ऊर्जा और ध्यान को प्रधानमंत्री भवन की वास्तु को सही करने में लगाया। ये भी हिंदुस्तान एम्बेसडर की सवारी किया करते थे। आइए अगले प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। अगले प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल है। एक अस्थिर गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल भारत के शीर्ष पद पर April 1997 से March 1998 तक रहे, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री नहीं थे। अतः वह भी एक सफेद हिंदुस्तान एम्बेसडर इस्तेमाल किया करते थे। आइए अगले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानते हैं। भारत रत्न से नवाजे गए अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुखिया थे और सबसे लंबे समय तक सेवारत सांसदों में से एक थे। वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने तक भारतीय प्रधानमंत्री एम्बेसडर कार से ही यात्रा करते थे। वाजपेयी ने सर्वप्रथम BMW 7i और 5i सीरीज को चुना, जो कि बुलेट प्रूफ थी, और इसके बाद से अब तक भारत के सभी प्रधानमंत्री इसी सीरीज का भी प्रयोग कर रहे हैं। वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में आतंकी हमले बढ़ रहे थे,
अतः उन्होंने प्रधानमंत्री की सवारी की रक्षा के लिए विशेष सुरक्षा समूह को नियुक्त किया, जो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की तरह क्षमतावान थी। ये विशेष सुरक्षा समूह ही इस बात का फैसला करती है कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान किन रास्तों से जाएंगे। वाजपेयी जी के समय में प्रधानमंत्री के काफिले में BMW 740 ली कारें V8 पेट्रोल मोटर्स चला करती थी। आइए अगले प्रधानमंत्री की ओर चलते हैं। अगले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्षों तक कार्य किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आधिकारिक सवारी के रूप में प्रधानमंत्री वाजपेयी की BMW 7 सीरीज और BMW X5 XUV के चारों ओर अन्य गाड़ियों के माध्यम से एक घेरे का गठन किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के काफिले में रेडियो तरंगों से लैस उपकरण वाले टाटा सफारी के अलावा एक मर्सिडीज स्प्रिंटर एम्बुलेंस भी चलती है। आइए अगले प्रधानमंत्री को देखते हैं। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी ने मई 2014 से प्रधानमंत्री के कार्य को संभाला है। उनके काफिले में बुलेट प्रूफ BMW 760 Li कार भी चलती थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी मर्सिडीज S650 गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। बेहद लग्जरी ये 4 सेफ्टी के एडवांस्ड फीचर से लैस है। इस हाई क्वालिटी कार की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही दिन भर की थकान उतारने के लिए इस कार में मसाज सीट भी है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।